फाइनली दर्शक का इंतजार हुआ खत्म। बच्चन पांडे ट्रेलर की रिलीज डेट को अक्षय कुमार ने किया अनाउंस। अक्षय कुमार की फिल्मों का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि अक्षय कुमार की इस साल की पहली फिल्म पृथ्वीराज थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। पृथ्वीराज जनवरी के 24 तारीख को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब ये फिल्म को पोस्टपोन किया गया है। और इस फिल्म से पहले अक्षय की एक और फिल्म रिलीज होने वाली है और वो है बच्चन पांडे। ये फिल्म से दो धमाकेदार पोस्टर्स भी रिलीज किए गए थे, जिनमें अक्षय कुमार का गैंगस्टर वाला लुक लोगों को काफी पसंद आया था। लेकिन आज अक्षय कुमार ने ये फिल्म से एक और धमाकेदार लुक के साथ फिल्म के ट्रेलर की रिलीज डेट को भी अनाउंस कर दिया है। बता दें कि अक्षय कुमार की बच्चन पांडे फिल्म का ट्रेलर 18 फरवरी को रिलीज किया जाएगा और ये जानकारी खुद अक्षय कुमार ने एक धमाकेदार लुक के साथ दी है। बात करें हम लुक की, तो अक्षय कुमार इस लुक में एक खतरनाक गैंगस्टर के अवतार में नजर आ रहे हैं। आंखों में बहुत ही खतरनाक खौफ नजर आ रहा है और उन्होंने सिर पर एक रुमाल भी बांधा हुआ है, यानी कि टोटली इस लुक में अक्षय एक गैंगस्टर बने हुए हैं। अक्षय कुमार ने ट्रेलर रिलीज डेट अनाउंस करते हुए लिखा है कि ये कैरेक्टर में कई सारे शेड्स होने वाले हैं। बच्चन पांडे आपको डराने, हंसाने, रुलाने सबके लिए रेडी है, बस आपको सिर्फ ये फिल्म को प्यार देना है। बात करें हम फिल्म की, तो ये फिल्म में लीड रोल में अक्षय के अलावा कृति सैनन, जैकलिन फर्नांडिस और अर्शद वारसी भी नजर आएंगे। फिल्म को डायरेक्शन दिया है फरहाद सामजी ने और फिल्म को प्रोड्यूस किया है नडियाडवाला ग्रैंडसन ने। और ये फिल्म एक एक्शन कॉमेडी फिल्म रहने वाली है जो मार्च के महीने में रिलीज की जाएगी। फिलहाल हमें आप ये बताइए कि आपको कैसा लगा ये लुक और आप कितने एक्साइटेड हैं ये फिल्म को लेकर, हमें कमेंट में जरूर बताएं।